भारत का एक राज्य आज पूरे देश के लिए सिरदर्द का कारण बन चुका है। एक ऐसा राज्य जहां के वीर सपूतों ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया, परंतु आज वही राज्य के लोग देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आज प्रत्येक समाचार चैनल पे, अखबारों में, सोशल मीडिया पे एक ही खबर चल रही है, खालिस्तान एवं अमृतपाल सिंह। परंतु इसके पीछे की सच्चाई कोई नहीं बताता। जय और पराजय का विचार छोड़ के कर्तव्य पर ध्यान दो, डर अपने आप दूर हो जाएगा। मैंने 2022 में ही आप सबको सतर्क कर दिया था, इतना पीछे क्यों जाना। 3 जनवरी 2023 अध्याय 610 में मैंने साफ साफ कहा था कि खालिस्तानी संगठनों को विदेशों से भारी फंडिंग की जा रही है एवं देश के विरुद्ध एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। मेरी कही हुई बात आज सत्य साबित हुई है। 600 वर्ष पुराने भविष्य मालिका के ग्रंथों में भविष्य में घटने वाले प्रत्येक घटना के बारे में लिखा गया है, केवल आपको सही से डिकोड करना आना चाहिए। जिन्होंने अध्याय 610 देखा है अवश्य कमेंट कीजिएगा कि मैंने जैसा कहा था आज मार्च 2023 में वैसा हो रहा है या नहीं। क्या आप इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं? जो खालिस्तान आंदोलन कब का बंद हो चुका था, आज फिर से कैसे जाग उठा? इन खालिस्तानी संगठनों को पीछे से कौन बल दे रहा है? उत्तर सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। खालिस्तान को फिर से खड़ा करने के पीछे है श्रीमान अरविंद केजरीवाल एवं आम आदमी पार्टी। 2017 में अरविंद केजरीवाल ने खालिस्तानियों के साथ एक डील साइन की थी, जिसके अनुसार वो इंडिपेंडेंट खालिस्तान का प्रधानमंत्री बनेगा। अब ये इंडिपेंडेंट खालिस्तान क्या है? खालिस्तान एजेंडे के अनुसार संपूर्ण भारत पर खालिस्तानी कब्जा करके इस देश का नाम इंडिपेंडेंट खालिस्तान करना चाहते हैं। मुझे पता है बहुत लोगों को मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, इसीलिए मैं एक प्रमाण देता हूँ। जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, अनेकों बार खालिस्तानियों ने आतंक मचाया है, पर पंजाब की सरकार पूर्ण रूप से मौन थी। पंजाब की पुलिस ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, पर मार्च 2023 में जब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तरफ से खालिस्तानी नेताओं को अरेस्ट करने का ऑर्डर मिला, तब पंजाब पुलिस ने एक बड़ा षड्यंत्र रचा। पंजाब पुलिस सर्वप्रथम खालिस्तानी नेता अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए निकली। रात होते होते सभी समाचार चैनलों पे प्रकाशित होने लगा कि अमृतपाल सिंह को अरेस्ट कर लिया गया है, परंतु ठीक अगली सुबह को पंजाब पुलिस ने कहा कि अमृतपाल सिंह बच के भाग निकला। साथ ही पंजाब में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया। कुछ समझे? पंजाब की सरकार एवं पंजाब की पुलिस ने अमृतपाल सिंह को अरेस्ट नहीं किया, बल्कि उसे सुरक्षित भागने में मदद किया और पूरी दुनिया को दिखाने के लिए छोटे मोटे नेताओं को अरेस्ट कर लिया। बात इतना तक सीमित नहीं है। दिल्ली में फिर से किसान आंदोलन पार्ट 2 का आरंभ हो चुका है। साथ ही यूनाइटेड किंगडम में खालिस्तानी सपोर्टर्स ने भारतीय एम्बेसी पर हमला कर दिया। सब एक साथ हो रहा है और सब एक दूसरे से कनेक्टेड है।
यही होता है जब लोग एक देशद्रोही एवं एक बेवड़े को अपना नेता बना देते हैं केवल फ्री के चक्कर में। ये तो केवल आरंभ है, अप्रैल तक देखिए ये देशद्रोही क्या क्या करते हैं। सनातन की पवित्र भूमि भारत, दुनिया में मानव सभ्यता का आरंभ करने वाला भारत, आज जातिवाद, भेदभाव, लोभ, मोह, ईर्ष्या, घमंड के कारण टूट रहा है। पर इन्हें पता नहीं कि इनका बाप इनका संहार करने आ चुका है, कल की अवतार आ चुके हैं। जितना हाथ पैर मारना है मार लो, जितना आतंक मचाना है मचा लो, अंत में तो ऊपर जाना ही है। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद।